अस्सलामुअलैकुम गाइस, आपका वेलकम है मेरे नए व्लॉग में। तो अभी हो रहा है सहरी का टाइम, तो आज हम लोग जुमे का व्लॉग बनाने जा रहे हैं जो कि रमज़ान का पहला जुमा है। सहरी का तो हाँ भाई, सहरी में उठने में बहुत ज़्यादा ही मतलब ऐसा लगता है कि नींद ही पूरी कर ले, नहीं उठे, पर हाँ उठना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हस्बैंड उठे और उन्होंने ब्रश किया और मैं किचन में चले गए, तो ये अभी अपना वीडियो शूट करने पर लगे हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग सहरी में क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, और आप लोग बताइएगा कि आप लोग सहरी में क्या खाते हो। पहली बात तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहारी तक भी सहरी में खा लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे एक चाय का कप भी नहीं निकला जाता। तो आप कौन से वाले हो ये ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले पराठे बनाने शुरू कर दिए और ये चाय मेरी बन रही है, और उधर मैं दूध गर्म कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना तुर्री भी बनाना होता है। तो हमारे यहाँ सहरी में पराठा और चाय और ब्रेड बटर और तुर्री भी होती है, और दूध भी पिया जाता है, दही भी रहती है, ताकि जो है सब चीज़ मैनेज हो जाए अच्छे से। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या करते हो। तो यहाँ पे मैं प्रिपरेशन कर चुकी हूँ और आप लोग देख सकते हैं मेरा पराठा बन रहा है। तो यहाँ पर पराठे बन रहे हैं, एक तरफ चाय बन रही है, एक तरफ तुर्री बनने की तैयारी हो रही है। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर पराठे बन चुके थे, तो मैंने जल्दी जल्दी बटर को भी जो है अच्छे से ब्रेड बटर को भी अच्छे से सेकना स्टार्ट कर दिया। चाय भी हमारी बन चुकी थी और यहाँ पे अब मैं तुर्री की प्रिपरेशन करूँगी। तुर्री आप लोग कुछ लोग समझते होंगे कुछ लोग नहीं समझते, ये एक ना फुल मेवे मसाले से बनी हुई होती है, मतलब एक आप क्या इसको खीर टाइप ड्रिंक टाइप क्या बोल सकते हैं हम, तो ड्राई फ्रूट की खीर, ड्राई फ्रूट की खीर होती है जिसमें हम देसी घी लेंगे और जो मेवा मसाला में चाहिए उसे हम पीस लेंगे और फिर एक देसी घी डालेंगे, उसमें एक इलायची डालेंगे, आप चाहे तो लौंग भी डाल सकते हैं। फिर इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करके हम लोग इसे चला लेंगे, और इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे, और मतलब पानी आपकी चॉइस, आप डालते हैं, हम लोग नहीं डालते पानी, हम लोग खाली दूध डालते हैं और दूध से हम लोग इसको अच्छी तरीके से बना लेते हैं, खौला लेते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी आती है, मतलब पीने में आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, मतलब आप इसको पियोगे ना सहरी में तो जैसे आपका सर दर्द होता है, आपको चक्कर वगैरह फील होता है, आपको बहुत ज़्यादा लूज़ फील होता है ना, तो ये इसके पीने से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये बहुत ताकत देता है। वैसे तो हम बहुत चीज़ें खा भी लेते हैं पी भी लेते हैं, पर कहने का तो सीधी बात यह है कि रोज़ा रखने की ताकत तो सिर्फ अल्लाह ही देता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने तुर्री में दूध मिक्स कर दिया है, तो दूध अब आप लोग बोलोगे कि कुकर में कौन दूध पकाता है, सही बोल रहे हैं आप लोग, पर ये पता है बड़ा सेफ़ रहता है, छोटा सा है और इसमें ना मेरा दूध परफेक्टली बन जाता है, अच्छे से खोल जाता है, भूल भी जाओ तो बेहतर रहता है, नहीं इसलिए मैं इसी में रखती हूँ। फिर तुर्री में आप लोगों को शक्कर ऐड करनी जितना आप लोगों को मीठा पसंद हो, तो यहाँ पर मैंने 5 चम्मच डाल दिया है, 5 स्पून डाल दिया है, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग सहरी करने बैठ गए। सहरी तो हो गई थी पर पता चला इन्होंने दूध ही नहीं पिया, तो फिर मैं रूम तक दूध लेके आई कि भाई दूध पी लो, दूध पीने से ना ताकत आती है। मैं सबको यही एडवाइस दूंगी कि सहरी में आप लोग ठीक से खाइए पिए, अपने सेहत का भी ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप सेहत पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर आप पूरे रोज़े कैसे रखेंगे। तो मैंने इन्हें ज़बरदस्ती दूध पिलाया और ये मुझसे बोला है तो इतना ज़्यादा दूध कौन देता है, तो भाई बीवी देती है, बीवी और मम्मा देती हैं मिल के, तो ज़्यादा दूध तो हो ही जाएगा ना। तुम बताओ अपना। लंबा खजूर, लंबा खजूर, खजूर वो भी लंबा। अभी अभी जस्ट रिसेंटली मेरा रिचार्ज खत्म हो गया है और मैंने इनसे हॉटस्पॉट लिया, इतना ही छोटा सा दिल है, सिर्फ 50% यूज हुआ। सो गाइस रात में सहरी के टाइम जगने के बाद हम लोग मस्ती उस्ती करके सो गए, और सुबह मैं उठी 10 बजे, मुझसे पहले मेरे हस्बैंड जाग चुके थे क्योंकि उन्हें थे बहुत से काम। तो चलिए देख, अब इन्हें घर पे रुके हैं तो काम मिला है, कैसा लग रहा है? तो अब ये घर के सारे बिगड़े काम बनाएंगे। इधर देखो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आज जुमा भी है, जल्दी जल्दी सब सारे काम खत्म करना। हाँ, मुझे डिश बनानी ना, तो उसका सामान भी लाना है आपको।
मैं भी चलूँ क्या आपके साथ मार्केट? आप देखते हैं आपको सामान कैसे नहीं मिलता। तो गाइज़ ये चले गए थे मार्केट, तो मैंने सोचा जल्दी से इनका मैं कुर्ता पैजामा प्रेस कर दूँ। प्रेस होने के बाद मेरे हस्बैंड घर आ गए, क्योंकि वो जो पंखा था वो जल चुका था, तो नया पंखा हम लोगों ने फिट किया। और हम लोग इसको फिट करने के लिए किसी भी किसको इलेक्ट्रिशियन को नहीं बुलाते, क्योंकि हमारे हस्बैंड मल्टी टैलेंटेड हैं। तो उन्होंने कहा मैं झटपट से पंखा सेट कर देता हूँ, तो यहाँ पर इन्होंने पंखा तो सेट कर दिया है। अब बारी है इसको चेक करने की, तो देखते हैं कि ये पंखा चलता भी है कि नहीं चलता। हो गया है, अब देखते हैं इनकी मेहनत कितनी है। पंखा चला के देखते हैं। ओ ताली, फाइनली पंखा का लगा के मेरे ये फ्री हो गए हैं। तो मैंने इनका कुर्ता वगैरह तो पहले ही प्रेस कर दिया था, और अब ले लीजिए माशाल्लाह। मैं तो कहती है एसी ऑन कर देती, आपको गर्मी लगती। बच चुके हैं, नमाज हो चुकी है हम लोगों की, यहाँ पे ये मौसर गेम खेल रहे हैं। तो भाई मैं 3 बजे से उठती हूँ, तब जाके मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट होती है। पर आज जब मैं किचन पे गई तो मुझे ज़्यादा टाइम ही, मतलब टाइम तो लगा ही नहीं, मतलब हस्बैंड इतनी हेल्प कर दी थी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बुरी नज़रों से बचाए। तो यहाँ पे मैं नमक पारे बनाने के लिए जैसे बैठी वैसे मेरे हस्बैंड आए, और उन्होंने बोला तुम रहने दो मैं इसको बेल देता हूँ। रेसिपी रोज़ तो तुम ही करती हो, आज मैं घर पर रुका हुआ हूँ तो क्यों ना मैं ही कर देता हूँ, क्यों जी? तो मैंने कहा कि आज क्यों ना पूरा किचन मैं अपने हाथ में ले लेता हूँ। माय गॉड, तो मैंने इन्हें थामा हुलता और बेलन और लग गया अपने काम पे। तो देखो कितनी अच्छी मैंने कटिंग की है इसको। हाँ, बहुत अच्छी इन्होंने कटिंग करी है नमक पारे की, और बहुत ही मज़ा आ रहा था, साथ में फैमिली टाइम हम स्पेंड कर रहे थे, और माशाल्लाह से इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कराई। तो उन्होंने कटिंग कर दिया था, और उसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ाई, जिसमें जल्दी से मैंने ये सब कुछ फ्राई कर लिया। और आज एक नई रेसिपी आई है मेरे हस्बैंड की तरफ से, और उनका ही आइडिया था कि ये ऐसे, मतलब वो रेसिपी थी वो, पर उन्होंने कुछ चेंजेस किए उसमें कि वो ब्रेड पकौड़ा जैसे टाइप की है, और वो ब्रेड पकौड़ा उसको मत कहिएगा, मेरे हस्बैंड को गुस्सा आ जाएगा, वो ब्रेड पकौड़ा नहीं था, वो क्या था? वो था पेटी। है ना, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हम दो बॉईल करेंगे पोटैटो, और उसको कढ़ाई में डालेंगे, और प्याज लाल करेंगे और उसको डालेंगे, और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और नमक डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, और हाँ खड़ी हुई धनिया भी आप डाल दीजिएगा। अब इसके लिए चलिए मैं ब्रेड लेता हूँ, ब्रेड की जो साइड रहती है उसको कट कर लेता हूँ, क्योंकि कटिंग कर लेंगे वो तो बहुत अच्छे से वो पैक हो जाएगा, नहीं तो वो खुला रह जाएगा। तो गाइस यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने साइड के ब्रेड को काट दिया था, और बीच का हम सेंटर लेंगे, जिसमें हमें बेलन चला लेना ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और मेल्ट हो जाए, और उसके बाद हम स्टफिंग लेंगे इसको, ऐसे हम लोग जो है पैक कर लेंगे। आप मैदे की लाई बना लीजिएगा, जिसे हम लोग फेविकोल भी कहते हैं, तो उसको साइड पर लगा कर, हमारा ये आइडिया था ना कि हम लोग ये जो निकाल लेना साइड को, उसको हम लोग क्रंच इसका बना के इसको पोट करेंगे, पर गाइस ऐसा नहीं हो पाया। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि हम बेसन यूज़ करेंगे, जिससे ज़्यादा वो क्रंची हो जाएगा और वो काफ़ी टाइम तक रहेगा। उसके बाद हम इसमें स्टफिंग डालने के बाद हम इसमें चीज़ डालेंगे, आप गार्निश करके इस पर चीज़ डालिएगा, और ढेर सारी चीज़ डालिएगा, जितनी चीज़ डालेंगे उतना ही आपको ये टेस्टी लगेगा। मेरे हस्बैंड ने तो खैर कंजूसी करी थी चीज़ डालने में, सोचे तो ज़्यादा हो जाएगी पर खुल के बाहर आ जाएगी, पर गाइस वो तो दिखी ही नहीं हम लोगों को, पर हाँ बना बहुत टेस्टी था, जो बात है। तो ये सब करने के बाद हो गया था असर का टाइम, और हमारे हस्बैंड, ओह माय गॉड, ये मैं कहाँ से आ गई। हमारे हस्बैंड जा रहे थे नमाज पढ़ने के लिए, तो उससे पहले उन्होंने मेरा बेसन भी फेंट दिया, क्योंकि उन्होंने बोला था ना कि मैं आज तुम्हारी सारी हेल्प कराऊंगा, तो वो तो चले गए नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ने जा ही रहे थे कि मेरा एक पार्सल आ गया था, तो वो पार्सल मैंने अपने लिए नहीं मंगाया था, मेरे हस्बैंड के लिए नहीं मंगाया था, वो पार्सल मैंने मंगाया था अपनी सासू माँ के लिए। तो चलिए हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग कर लें।
तो ये सूट था मम्मी के लिए और उसके बाद ये चले गए नमाज पढ़ने के लिए। असर का टाइम हो रहा था और गाइस मुझे इस टाइम पर तो ऐसा लगता था कि मेरा बहुत सारा काम पड़ा है, मैं कैसे करूँगी, मुझे फ्राई भी करना है, मुझे स्टफिंग भी बनानी, पर अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे ऐसे कोई टेंशन नहीं, बल्कि वक्त से पहले ही मैं सब कुछ रेडी हो गया था। तो यहाँ पर मैं फ्राई कर रही थी तो तुरंत मेरे हस्बैंड आए कि तुम ऑटो में फ्राई कर लेता हूँ, तो इन्होंने जल्दी से मेरे हाथ से चम्मच ली और इसको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने फटाफट अपनी आस्तीन समेटी और पूरा किचन अपने अंडर में ले। तो गाइस यहाँ पर हमें जो ब्रेड हमने बनाई थी उसे हमें बेसन में ऐसे पोट करना है और उसके बाद इसको फ्राई कर लेना है, लेकिन आपने खुद नहीं करना है, अपने हस्बैंड से करवाना है, क्योंकि रेसिपी में आपको जैसे दिखाया गया है एग्जैक्ट आप वैसे ही करना है। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने पापड़ वगैरह भी तल दिया और यहाँ पर मैं बेसन की पकौड़ी की भी प्रिपरेशन करने लगी, क्योंकि उसके बिना तो ऐसा लगता है कि कुछ भी इफ्तार में नहीं है, वो तो लाजिम है, पकौड़े होना तो लाजिम है। तो फिर यहाँ पर मेरे हस्बैंड कंटिन्यू अपने पापड़ निकाल लेते क्योंकि मैंने ज़्यादा निकाल दिया, उसके बाद मेरी भी स्टफिंग बन चुकी थी, तो मैं आ गई थी यहाँ पे पकौड़ी निकालने के लिए। और फिर मुझे पता चला मेरे हस्बैंड ने तो ये भी मना किया मुझे, भाई तुम पकौड़ी भी नहीं निकालोगे, मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई। तो गाइस यहाँ पर हमारा सब कुछ रेडी था, ये मैंने ब्रेड बना ली थी और उसके बाद मेरी इडली की चटनी भी बन चुकी थी और यहाँ पर हम लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए और मैंने साड़ी लगाना स्टार्ट कर दिया। तो आज तो भाई मुझे ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं पड़ी है, पर हाँ ठीक है, ऐसा कभी कभी लाइफ में एक दो बार हो जाना चाहिए ताकि शौहर और बीवी की मोहब्बत बढ़ जाए और अल्लाह और उसके रसूल भी खुश होता है जब बीवी और शौहर मुस्कुराते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरा इफ्तार ब्लॉग कैसा लगा, मेरा ये फ़र्स्ट ब्लॉग है, फर्स्ट रमज़ान है मेरे ससुराल में, जब मेरा पहला रमज़ान हुआ और ये पहला जुमा आया रमज़ान मुबारक का अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे से ये साल गुजरा। और आप लोगों को पता है मेरी शादी को भी एक साल होने जा रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह एक साल हो जाएगा मई में हमारी शादी को। फिर हम लोग दस्तरखान पर बैठ गए, यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने मुझे खजूर दिया, बिस्मिल्लाह मैंने किया और हम लोगों ने इफ्तार वगैरह खोला और उसके बाद मैं मार्केट चली गई क्योंकि मुझे कुछ कपड़े लेने थे। तो आज ही हस्बैंड ने बोला सब निपटा लेते हैं, तो फिर वहाँ पर मैंने उसकी पूरी दुकान खुलवा ली। फिर फाइनली लड़कियों का यही तो काम होता है। फिर उसके बाद मैंने 3 ड्रेसेस का मतलब अपने लिए चूज़ करी और मुझे वो बहुत पसंद आई, उसका कलर, उसका मेथड, सब कुछ बहुत पसंद आया। पर बेचारे दिखा रही थी, हो सकता है कि मुझे एक और भी पसंद आ सकता था ना, पर मुझे नहीं पसंद आया। तो गाइस यहाँ पर मैंने ना 3 ही जोड़े कपड़े लिए और हाँ आपको पता है 3 जोड़े कपड़े लेने में मुझे एक चीज़ का तो फ़ायदा हो गया भाई, इतना महंगा बिल बनाने पर मुझे मिला है ये कप सेट। तो अगर आपको भी एक कप सेट चाहिए ना तो जल्दी से जाइए, आप 1500 से ज़्यादा शॉपिंग करिए तो आपको ये गिफ्ट मिले। तो ज़रूर उनकी दुकान पे विज़िट करें, 1500 रुपये का लें और एक गिफ्ट पाएँ। कब तक के लिए ये ऑफर? ये होली तक का रहेगा। आज का व्लॉग यहीं पर होता है एंड, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।